नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय आपके लिए भाग्यशाली है। 22 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। मन में प्रसन्नता बनेगी, कारोबार से फायदा होगा, अचानक धन दौलत मिल सकती है। इस समय में घर परिवार से भी धन प्राप्त होगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है, विदेश से कोई अच्छी खबर आ सकती है। दोस्तों, 23 और 24 तारीख आपके लिए बहुत लक्की साबित होगी। चंद्रमा मिथुन राशि से आपके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, जिस वजह से अपने कारोबार के लिए यात्राओं पर आपको निकलना पड़ सकता है। धर्म में आपका विश्वास बढ़ेगा। इस समय में भाग्य का अच्छा खासा साथ आपको मिलेगा, आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। सरकारी कामों में भी आपको बढ़त हासिल होगी। इस समय में धन का निवेश आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत उचित रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। जॉब करने वालों को भी अपने लक का साथ मिलेगा। 25, 26, 27, 28 भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। 25 को भागदौड़ बढ़ सकती है, परिवार की चिंता आपको सता सकती है, अपने कार्य के प्रति भी आप सीरियस रहेंगे। 25 और 26 तारीख को आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन अपने कारोबार से फायदा होगा। घर परिवार की जिम्मेवारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे, अपने व्यापार के लिए आप धन का निवेश भी करेंगे। इस समय में आप नए नए लोगों से मिलेंगे, सामाजिक स्तर पर आपका दायरा बढ़ेगा और सरकारी कामों में भी आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपकी जीत हो सकती है, आपके शत्रुओं का नाश होगा। इस समय में आपको परिवार के लिए धन को खर्च करना पड़ सकता है। जॉब करने वालों के लिए भी ये समय बहुत खास होगा। इस समय में इम्पोर्टेंट फैसले लिए जाएंगे, नई जॉब के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ भी की जाएगी। 27, 28 आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि से आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे, मुनाफे के सौदे हो सकते हैं, नई डील साइन हो सकती है, विदेश से अच्छी खबर आ सकती है, संतान से सुख आपको मिलेगा, लव लाइफ बहुत बेहतर बनेगी, शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्कूल व कॉलेज कैंपस में आपका मन लगा रहेगा, नए नए मित्र आपके इस समय में बनेंगे, मैरिड लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। ये दो दिन आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे, अपनी उम्र से बड़े लोगों से भी आपको फायदा होगा। 29-30 तारीख को यात्राओं के योग बनेंगे, आपका हौसला व पराक्रम बढ़ेगा, किसी की मदद करने को भी आप तैयार हो सकते हैं। इस दिन आप बड़े खर्चों वाले कामों को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्च से आपको इस दिन बचना चाहिए। कारोबार के लिए धन का निवेश ना करें। 31 तारीख आपके लिए बहुत लक्की रहेगी, मन में प्रसन्नता बनेगी, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हर तरीके से खुद को आप मजबूत महसूस करेंगे, आपके कामों में तेजी बनेगी, मंदे की स्थिति समाप्त होगी, पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को फायदा होगा, जॉब करने वालों के काम भी बनेंगे। इस समय में नई जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो सफल होंगे, नई जॉब के लिए कोई गुड न्यूज आ सकती है। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह बहुत भाग्यशाली है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।